देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की तो बहुत सख्त जरूरत है। सवाल ये है कि ना तो सरकार उसमें इंटरेस्टेड है ना जुडिशरी उसमें इंटरेस्टेड है। उसके लिए तो जब तक कोई पब्लिक का बड़ा आंदोलन नहीं होता तब तक वो जुडिशियल रिफॉर्म्स कोई करेगा नहीं। बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो अब बड़ा आंदोलन करने के लिए एक्चुअली जुडिशरी से जो लोग पीड़ित हैं या जुडिशरी से जो लोग न्याय चाहते हैं उन लोगों का आंदोलन होना होगा। वो एक ऐसा डिस्पर्स ग्रुप है कि उनको संगठित करना ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता। हम लोगों की एक छोटी सी संस्था है कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। हम लोग छोटे स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं करते रहते हैं छुटपुट, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन अभी तक हम लोग नहीं खड़ा कर पाए। उसकी ज़रूरत है और वो बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, हिमांशु सर से मेरा ये सवाल है। सर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, तो अभी आपने जो आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट का कि धोखा दे रही है आपको, तो फिर इसके ऊपर आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? हम लोग रिव्यू पेटिशन फाइल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पेटिशन में अपने से हुई ये गलती को सुधारेंगे और आदिवासियों को जो के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आपका समर्थन किया है, क्या उनसे कोई मदद की बातचीत हो रही है इसके हमसे किसान मोर्चा से, क्योंकि आदिवासियों ने किसान आंदोलन में? संयुक्त किसान मोर्चे का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। और असल में ये मुद्दा हिमांशु कुमार का नहीं है, ये मुद्दा न्याय और अन्याय का है, एक पूरे आदिवासी समुदाय का है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के इस समर्थन का बहुत महत्व है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह का आप पर फैसला दिया गया है, क्या अभी उम्मीद रखते हैं कुछ? जी बिल्कुल रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, इसलिए हम रिव्यू पेटिशन फाइल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस गलती को, अपने जज की इस गलती को सुधारेगा और सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाएगा, क्योंकि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खराब हुई है कि 16 लोग मारे गए और आपने उनको न्याय नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का सवाल है, हम तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल मेरा सवाल चंद्रशेखर सर आपसे है। हम लोग जैसा देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के आदिवासियों के साथ कर रही है, वही सेम चीज छत्तीसगढ़ हो राजस्थान हो वहाँ कांग्रेस भी कर रही है। तो जब हम अल्टरनेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करते हैं, ऑपोजिशन को मजबूत करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस ऐसी पार्टी की क्या जगह होगी आपके हिसाब से? मैं समझता हूं कि सत्ता का चरित्र एक होता है और आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दा महत्वपूर्ण। तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ऑप्शन या बहुत सारी चीजें वो भविष्य के गर्भ में है, उन पे हम लोग फिर भी किसी चर्चा करेंगे। अभी जो सवाल एक हिमांशु जी के सामने था, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जो है ना वो जनता की होती है, तो जनता को आज ये संदेश इसलिए कि जनता भी इस बात को रिव्यू करे कि न्यायपालिका क्या कर रही है, और मैं समझता हूं कि उनको जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। बाकी नौजवानों को चाहिए कि वो इस लड़ाई की कमान अपने हाथ में संभाले और वो इंतजार ना करें कि आज के हालात ये है कि भगत सिंह चंद्रशेखर पैदा हों लेकिन हों पड़ोसी के यहाँ, इस बात को बदल के खुद बनने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि स्थिति में सुधार हो जाए। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ लिबरल से आदिवासी से कॉन्स्टिट्यूशन अभी सरकार जो है 28 जून को एक कानून लाई है वन संरक्षण अधिनियम 2022 जो कि FRA 2006 के जो अधिकार मिले हैं आदिवासियों को या जंगल में जो लोग रहते हैं उनको, ये उसका कहने की वायलेशन है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, इसके बारे में आपकी क्या एक्सपीडियन क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? जो ग्राम सभा की अनुमति एक हाथ से ये सरकार ने आदिवासी प्रेसिडेंट बनाया, दूसरे हाथ से वो सारे हक जो
आदिवासियों और अन्य फॉरेस्ट डवेलर्स ने जिनको मिला था 2006 एक्ट से उनको ले गया, उनको छीना गया है। एक्चुअली जो रूल्स में जो बदलाव आया है कि अभी जैसे कोई प्राइवेट डेवलपर है और वो जमीन लेना चाहता है तो वो सरकार को पैसा दे देंगे, उसके बाद लोगों से अनुमति मांगेंगे और वो राज्य स्टेट को देना पड़ेगा, लोग से लेना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने तो पैसे बना लिए अपने, अब रही बात स्टेट गवर्नमेंट जाके लोग से पूछेगी कि आप अनुमति देते हो या नहीं देते हो, और लोग अगर मना भी करेंगे तो क्या कर सकते, तब तक तक तो केंद्र सरकार ने पैसे ले ही लिया है ना। तो जो डेवलपर है वो बोलेंगे कि हमको तो केंद्र सरकार का परमिशन मिल गया, हमने पैसे भी दे दिए और अब आप कौन होते हो पूछने के लिए। तो जो हक लोगों को मिला था कि उनकी अनुमति के बिना उनका जमीन नहीं दिया गया वो पूरी तरह खारिज हो गया। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में रहा क्या? बहुत शांत हो जाइए, शांत हो जाइएगा, पीछे में थोड़ा शांत हो जाइए। मैं हिमांशु जी से ये बात पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने अट्रोसिटीज के बारे में बात करी है, जिस प्रकार अट्रोसिटीज के बारे में बात करी है गोमपाट में, जिस प्रकार आपने विश्लेषण किया है कि वहां पर अट्रोसिटीज हो रही है, तो क्या वहां की जनता ने इस बात को निर्णय नहीं किया कि वहां की सरकार बदले? क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपका कोई भला नहीं होगा। आपको इस बारे में क्या कहना? सरकार तो बदली है, चरित्र नहीं बदला। वहाँ 15 ये जो घटना हुई थी ये भाजपा शासन में हुई थी 2009 में, और उसके बाद सरकार बदल गई। 17 में तो सरकार बदल गई है, लेकिन उसके बावजूद हालत नहीं बदली है। नई सरकार आई थी तो उसको तो अपना डिफेंस ही बंद कर देना था, उसको कहना था कि हाँ बीजेपी सरकार ने गलती करी थी और अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, हम हिमांशु कुमार के खिलाफ लड़ना बंद करते हैं, हिमांशु कुमार का इल्जाम कबूल है। आपको तो एक आंदोलन चलाना चाहिए ताकि सरकार आपके कहने पर चले, ऐसी सरकार। आंदोलन तो वहाँ चल रहा है, ये मेरा एक सुझाव है और आपको आपको जागरूक करने के लिए। शुक्रिया।